गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट, हमारा जो यूनिट फर्स्ट है 11th क्लास फिजिकल वर्ल्ड एंड मेजरमेंट, और हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो डायमेंशंस चल रहा है। डियर स्टूडेंट, अभी हम काफ़ी टाइम लेंगे डायमेंशंस में, बिकॉज दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, क्योंकि मैंने लास्ट वीडियो में भी आपको बताया था कि अगर हमारी डायमेंशंस क्लियर हो गई तो समझ लो 11th क्लास कंप्लीट हो गई, क्योंकि इसके अंदर हर एक क्वांटिटी आई हुई है जो आने वाली 10th यूनिटों में दी गई हैं। तो जैसे कि मैंने लास्ट टाइम भी आपको बताया था कि जो एंगुलर मोमेंटम होता है वो आर क्रॉस पी के बराबर होता है। जो आर होता है वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है, पी जो होता है लीनियर मोमेंटम। अगर मैं सीधी सी बात करूँ कि जो लीनियर मोमेंटम है वो एक स्ट्रेट लाइन में है, लेकिन जो एंगुलर मोमेंटम होगा एक रोटेशनल, उसमें जैसे कि एक व्हील मोशन कर रहा है, ये मोमेंटम कर रहा है एंगुलर मोमेंटम, यानी कि एक सर्कल मोशन में, सर्कुलर मोशन में। तो अब पी हमारे पास किसके, मास इनटू वेलोसिटी के, तो किसके हो गए हमारे पास एंगुलर मोमेंटम हो गए एम वी आर। अब हमारे पास में एम का मास का तो एम हो गया, वेलोसिटी क्या हो गया एल टी माइनस वन, और रेडियस क्या हो गया एल हो गया, तो एम एल स्क्वायर टी माइनस वन। मास की यूनिट जो होगी किलोग्राम होगा, लेंथ की यूनिट क्या होगी मीटर होगा, तो मीटर स्क्वायर हो गया, टाइम की यूनिट सेकेंड। लास्ट टाइम मैंने फ्रीक्वेंसी के बारे में बताया था कि फ्रीक्वेंसी जो होती है टाइम पीरियड के रेसिप्रोकल होता है, तो न्यू इक्वल टू वन अपॉन टी, टी को ऊपर लेके जाइए टी माइनस वन हो जाएगा। डियर स्टूडेंट, कई बार ऐसा होता है कि एम जीरो एल जीरो, तो एम जीरो एल जीरो का मतलब ना तो मास गिवन है ना ही लेंथ गिवन है, यानी कि टाइम गिवन है टी की पावर माइनस वन, टाइम गिवन है ओनली उस क्वांटिटी में। यूनिट क्या होगा, टाइम की यूनिट सेकेंड इनवर्स होगा, और यूनिट क्या हो जाएगी हमारे पास हर्ट्ज हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास कोफिशियंट ऑफ विस्कोसिटी। विस्कोसिटी जैसे फ्लूइड फ्लो कर रहा है तो उसका जो विस्कोस ड्रैगिंग फोर्स बोलते हैं, विस्कोस फोर्स जो उसके अपोजिट डायरेक्शन में लगा हुआ, तो एफ हमारे पास एक तरह से विस्कोस फोर्स है। एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शन डिपेंड करता है, जब फ्लूड फ्लो करता है तो उसके एरिया पर डिपेंड करेगा, जहाँ पे फ्लूड फ्लो कर रहा है तो वो एरिया पर डिपेंड करेगा। एंड डी वी अपॉन डी एक्स, डी एक्स क्या है हमारे पास डिस्टेंस, इसे कहते हैं वेलोसिटी ग्रेडियंट। फोर्स विस्कोस फोर्स और किस बात पर डिपेंड करता है, वेलोसिटी ग्रेडियंट पर। अब F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया ए डी वी अपॉन डी एक्स, डायरेक्टली प्रोपोर्शन हटाने के लिए क्या लगा दिया हमने ईटा, तो ईटा हमारे पास क्या हो गया कोफिशियंट ऑफ विस्कोसिटी। तो इस हिसाब से हमारे पास जो ईटा हो गया है F डी एक्स अपॉन में ए डी वी हो गया है, तो ईटा बराबर हो गया फोर्स इंटू डिस्टेंस अपॉन में एरिया इंटू वेलोसिटी। अब फोर्स की डायमेंशंस आपको गिवन है एम एल टी माइनस टू, डिस्टेंस का गिवन है एल, एरिया कितना हो गया एल स्क्वायर, और वेलोसिटी का कितना हो गया एल टी माइनस वन। तो डियर स्टूडेंट, एल स्क्वायर से एल स्क्वायर कट गया तो एम बच गया, एल ऊपर जाएगा एल माइनस वन हो गया, टी माइनस वन ऊपर जाएगा प्लस का हो गया, तो माइनस दो में से एक गया तो माइनस वन बचे, तो एम एल माइनस वन टी माइनस वन। ऐसे हमने यूनिट निकाला, फोर्स की यूनिट क्या होगी न्यूटन, डिस्टेंस की यूनिट क्या होगी मीटर, एरिया क्या हो गया मीटर स्क्वायर, वेलोसिटी क्या हो गया मीटर पर, तो न्यूटन मीटर से मीटर कट गया, ये मीटर जाएगा न्यूटन मीटर इनवर्स स्क्वायर, और सेकेंड इनवर्स ऊपर जाएगा तो प्लस का हो गया, तो न्यूटन मीटर यानी कि फोर्स अपॉन एरिया यानी कि पास्कल के बराबर हो गया, तो पास्कल सेकंड भी इसकी यूनिट हो सकती है। नेक्स्ट क्वांटिटी हमारे पास होता है एंगल। एंगल के बारे में मैं डिस्कशन कर चुका हूँ आपको, तो एंगल बराबर होता है आर्क अपॉन रेडियस। मैंने बताया लेंथ, ब्रेथ, हाइट, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, रेडियस, आर्क, ये सभी हमारे पास क्या है लेंथ एक तरह से, तो आर्क भी एल हो गया, रेडियस भी एल हो गया, एल से एल कट गया तो वन, ना तो मास है ना लेंथ है ना टाइम, तो इसकी कोई डायमेंशन नहीं होगी, लेकिन एंगल की जो यूनिट होती है वो रेडियन माना जाएगा, इस बात को याद रखना है आपको। एंगुलर वेलोसिटी क्या है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को हम एंगल बोल सकते हैं, तो एंगल अपॉन टाइम हो गया, तो एंगल का तो कोई डायमेंशन नहीं थी, वन था, और टाइम का कितना आ गया टी, टी ऊपर जाएगा टी माइनस वन हो गया। लेकिन यूनिट की बात करें तो सेकंड इनवर्स यूनिट नहीं रहेगा, क्योंकि एंगल की यूनिट रेडियन है, तो रेडियन पर सेकंड हो जाएगा इसकी जो यूनिट है। नेक्स्ट क्वांटिटी डियर स्टूडेंट हमारे पास है एंगुलर एक्सेलरेशन। अब एंगुलर एक्सेलरेशन क्या, एंगुलर वेलोसिटी अपॉन टाइम। अभी मैंने एंगुलर वेलोसिटी डायमेंशंस निकाली हुई है, कितना टी माइनस वन, और टाइम का कितना आ गया टी, तो इस हिसाब से इसकी यूनिट क्या, डायमेंशंस क्या आ गया टी माइनस टू हो गया। लेकिन यूनिट की बात करें तो एंगुलर वेलोसिटी की यूनिट थी रेडियन पर सेकंड, अब टाइम ऊपर और जाएगा तो रेडियन हो जाएगा, रेडियन पर सेकंड का स्क्वायर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वांटिटी क्या है हमारे पास, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई इक्वल टू एम आर का स्क्वायर, मास इनटू रेडियस ऑफ गायरस, यानी कि फिक्स एक्सिस हो और उसके चारों तरफ बहुत सारी बॉडीज़ हों जिनमें अलग अलग बॉडी
बॉडी का मास कांस्टेंट ही हो सकता है, अलग अलग भी हो सकता है, लेकिन उन सभी मास बॉडीज, जैसे कि मैं बात करूं इस तरह से एक फिक्स एक्सिस हो गया डियर स्टूडेंट, ये हमारे पास एक फिक्स एक्सिस हो गया, इस तरह से एक मास बॉडी हो गया है, एक ये हो गया है, इस तरह से, इस तरह से, जैसे ये एम वन हो गया, ये एम टू, एम थ्री, और ये क्या हो गया एम एन, तो इसकी डिस्टेंस आर वन, आर टू, आर थ्री, और ये कहता क्या हो जाएगा हमारे पास आर एन। तो रेडियस ऑफ गायरस ये डिस्टेंस है, तो इन्हें बोलते हैं रेडियस ऑफ, इनका जो एवरेज वैल्यू होगा वो रेडियस ऑफ गायरेशन के बराबर होगा। आगे हमें ये स्टडी करना है, तो मास इंटू डिस्टेंस का स्क्वायर हो जाएगा, मास की डायमेंशन होगी एम, डिस्टेंस का क्या हो गया एल, तो एम एल स्क्वायर हो गया डायमेंशन, और यूनिट की बात करेंगे तो मास का यूनिट हो जाएगा किलोग्राम, लेंथ यूनिट का मीटर स्क्वायर, यानी कि यूनिट आ गया किलोग्राम मीटर स्क्वायर। अभी मैंने बात की कि रेडियस ऑफ गायरेशन किसके बराबर होता है, डिस्टेंस के, और डिस्टेंस के जो डायमेंशंस होते हैं वो एल होता है, यूनिट क्या हो जाएगा मीटर। नेक्स्ट क्वांटिटी अगर हम स्टडी करें वेलोसिटी ग्रेडियंट, तो वेलोसिटी ग्रेडियंट मतलब अभी हमने बात की थी कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी में, इसमें भी तो वेलोसिटी पर यूनिट डिस्टेंस, वेलोसिटी के डायमेंशंस पता है, डिस्टेंस क्या हो गया एल, एल से एल कट गया टी मैन, इसकी यूनिट क्या जाएगा सेकेंड इनवर्स हो जाएगा। तो नेक्स्ट हमारे पास क्वांटिटी है डियर स्टूडेंट प्रेशर ग्रेडियंट, जहाँ पे भी ग्रेडियंट की बात आती है, मेरे तो मेरा जो अपना मानना है जहाँ पे भी ग्रेडियंट है तो समझ लो पर यूनिट में डिस्टेंस लगा दो, तो प्रेशर पर यूनिट डिस्टेंस हो गया। अब प्रेशर के डायमेंशंस गिवन है, क्योंकि हमें पता है प्रेशर फोर्स अपॉन एरिया होता है, निकाल लोगे, डिस्टेंस क्या हो गया एल, तो एल ऊपर जाएगा एम एल स्क्वायर टी माइनस, तो मुझे लग रहा है कि ये जो डायमेंशंस है वर्क टॉर्क इन दोनों की एनर्जी तीन क्वांटिटीज़ के डायमेंशन सेम है। और अगर मैं यूनिट की बात करूं तो प्रेशर की यूनिट हो जाएगी पास्कल और डिस्टेंस की यूनिट हो जाएगी मीटर, मीटर ऊपर जाएगा मीटर इनवर्स हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास फोर्स कांस्टेंट, यानी कि फोर्स पर यूनिट डिस्प्लेसमेंट, फोर्स ग्रेडियंट कह दूँ, फोर्स पर यूनिट डिस्प्लेसमेंट, तो फोर्स एम एल टी माइनस टू, डिस्प्लेसमेंट क्या आ गया एल, एल से एल कट गया तो एम टी माइनस टू, फोर्स यूनिट होगी न्यूटन और डिस्प्लेसमेंट की यूनिट क्या होगी मीटर, तो क्या हो जाएगा न्यूटन पर मीटर। नेक्स्ट हमारे पास प्लैंक्स क्वांटम, प्लैंक्स कांस्टेंट है, जिस तरह से आइंस्टाइन गुरुजी ने कहा था ई इक्वल टू एम सी स्क्वेयर, गुरुजी का मतलब है आइंस्टाइन थ्योरी, ऐसे ही क्वांटम फिजिक्स में प्लैंक्स ने एक थ्योरी दी थी, और प्लैंक्स ने कहा था कि एनर्जी ई इक्वल टू एच न्यू के बराबर होता है, इसे वो तो फोटोन की एनर्जी, तो एच एज इट इज ई अपॉन क्या हो गया न्यू, ई क्या हो गया एनर्जी, न्यू क्या हो गया हमारे पास फ्रीक्वेंसी, तो एनर्जी के डायमेंशन क्या हो गया एम एल स्क्वायर टी माइनस टू हो गया, और फ्रीक्वेंसी क्या आ गया टी माइनस वन, माइनस वन को ऊपर ले जाओ तो एम एल स्क्वायर टी माइनस, एनर्जी की यूनिट क्या होगी जूल, और फ्रीक्वेंसी की यूनिट थी सेकंड इनवर्स, सेकंड इनवर्स ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा जूल सेकंड हो जाएगा। तो डियर स्टूडेंट मैंने क्योंकि डायमेंशंस के बेसिस पर बहुत सारे न्यूमेरिकल्स हैं, तो उनमें से लास्ट टाइम भी मैंने एक न्यूमेरिकल्स का फॉर्मूला उठाया था और अब की बार भी एक फॉर्मूला उठाया है, ऐसे ही आपको फाइव न्यूमेरिकल्स का मैंने एक असाइनमेंट तैयार किया, वो असाइनमेंट्स आपको क्लियर करना है। तो क्या होगा, आपको एक क्वेश्चन गिवन होगा, उसमें एक पर्टिकुलर क्वांटिटी होगी और वो क्वांटिटी कुछ नंबर ऑफ क्वांटिटीज़ पे डिपेंड करेगा, तो डायमेंशंस रख के आप लोगों को उसका फॉर्मूला लेकर आना है। जैसे कि मैंने कहा इसमें कि वेलोसिटी वी दे रखी है वाटर की और वो डिपेंड कर रही है कुछ क्वांटिटीज़ पर, जैसे कि वेवलेंथ लैम्डा पर डिपेंड कर रहा है, डेंसिटी पर कर रहा है, और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी पर डिपेंड कर रहा है, और डायमेंशंस के बेसिस पर आप लोगों के कुछ क्वांटिटीज़ का फॉर्मूला मेथड निकालना है। तो हमें सबसे पहला काम क्या होगा, जो क्वांटिटी डिपेंड कर रही है कौन सी क्वांटिटीज़ पर कर रही है, तो मैंने कहा वेलोसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था लैम्डा वेवलेंथ पर, रो डेंसिटी, जी ग्रेविटी, फिर उनके हमें क्या मानना पावर्स मानने, तो हमने पावर माना ए बी सी, ज़्यादा से ज़्यादा दो क्वांटिटी डिपेंड करेंगे या तीन क्वांटिटी डिपेंड करेंगे वो आप देख लोगे क्वेश्चंस में। अब ए बी सी हमने पावर मान लिया, अब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को हटाएंगे तो क्या लग जाएगा के, देखो डियर स्टूडेंट अब यहाँ तो डायमेंशनल लेस कॉन्स्टेंट है के, लेकिन कई क्वेश्चंस में जैसे मैंने असाइनमेंट बनाया है वहाँ पे के की वैल्यू आपको गिवन करके चलेगा, या तो के की वैल्यू वन दे दिया तो वन पुट करना है, सिक्स पाई दे दिया तो सिक्स पाई पुट करना है, यानी कि अगर क्वेश्चन गिवन करके चलता है तो के की वैल्यू आपको पुट करना पड़ेगा। अब देखिए सबसे पहले अब ये इक्वेशन मैंने एक बना ली है,
अब इसका बाद काम क्या होगा, ये जितनी भी इक्वेशन फर्स्ट में जो जो क्वांटिटीज हैं उनके डायमेंशंस निकालना। जैसे कि वेलोसिटी की मैं बात करता हूँ, वेलोसिटी एल टी माइनस वन होता है कि डायमेंशनल लेस क्वांटिटी है। लैम्डा वेव लेंथ यानी कि लेंथ है, एल हो गया। रो डेंसिटी मास अपॉन वॉल्यूम होता है तो एम एल माइनस थ्री। और ग्रेविटी एक्सेलरेशन के बराबर होता है एल टी। ये सारी डायमेंशंस रख दें, ऐसे इन वैल्यूज़ को सभी को सब्सटीट्यूट कर दो इक्वेशन नंबर फर्स्ट में। तो देखो वेलोसिटी के डायमेंशंस के एल टी माइनस वन तो एल टी माइनस एम जीरो है तो रख लिया मैंने। अब लैम्डा वेव लेंथ एल है तो एल हो गया, एल की पावर क्या आ गया ए। रो डेंसिटी एम एल माइनस थ्री हो गया, उसकी पावर क्या थी बी। और ग्रेविटी क्या थी एल टी माइनस, उसकी पावर क्या थी सी। तो देखिए वेलोसिटी तो एज इट इज है। अब देखो एल जहाँ जहाँ पर है वो निकाल दे, तो एल को मैंने मान लिया। अब कहाँ कहाँ पर है, यहाँ पे एल की पावर क्या ए, यहाँ पे पावर क्या थी माइनस की थ्री बी, और यहाँ पे एल की पावर क्या थी सी। तो ए माइनस थ्री बी प्लस सी। अब एम को बाहर, एम कहाँ यहाँ पे है और एम की पावर यहाँ कितना है बी। अब टी निकाल लीजिए, देखो यहाँ पे टी नहीं है यहाँ पे है, तो यहाँ पे टी कितना है माइनस टू सी, तो माइनस के टू सी। अब देखो m को m के साथ, l को l के साथ और t को, यानी कि इसने कहा इक्वेटिंग द पावर्स ऑफ m l t ऑन बोथ, दोनों तरफ m l और t की जो पावर्स है उन्हें इक्वल करिए। तो देखो यहाँ m की पावर b और यहाँ m की पावर क्या है जीरो, तो b बराबर किसके हो गया जीरो हो गया। a माइनस थ्री बी प्लस सी इक्वल टू यहाँ पे l की पावर a माइनस थ्री बी प्लस सी है, यहाँ l की पावर वन है तो यहाँ पे क्या पुट कर लिए वन पुट कर लिए। और ऐसे ही अगर मैं बात करूँ t की पावर माइनस टू सी था और यहाँ पे क्या माइनस वन, तो माइनस टू सी इक्वल टू क्या हो गया माइनस, माइनस से माइनस कट गया, c बराबर इक्वल टू किसके आ गया वन बाई टू के। अब b की वैल्यू मिल चुकी है, c की वैल्यू, इन a और b की वैल्यू को यहाँ पुट कर दीजिए, c और b की वैल्यू, तो a थ्री बी की वैल्यू जीरो और c की वैल्यू क्या आ गया एक बटे दो। यहाँ पे सॉल्व किया तो a बराबर आ गया एक बटे दो, सॉल्व कर लिया। देखो अब इन a b और c की वैल्यूज़ को यहाँ पुट कर दीजिए, पुट किया तो v इक्वल टू k, लेमडा की पावर a था a कितना आया वन बाई टू आ गया। रो डेंसिटी b था, b की पावर b कितना आया जीरो, जीरो पुट कर दिया। ग्रेविटी कितना वन, तो इन्हें एक मेथड में लगा दीजिए तो v इक्वल टू हो गया k। अब किसी की पावर जीरो तो वन हो जाएगा, वन की मल्टीप्लाई साथ करेंगे वन आ जाता है, एन के आ गया। अब वन बाई टू इसकी पावर वन बाई, इसका मतलब रूट चढ़ा सकते हैं, तो कितना आ गया के लेमडा जी। तो इस तरह से डियर स्टूडेंट आपको एक असाइनमेंट्स क्लियर करना होगा। ये मैंने असाइनमेंट के कुछ क्वेश्चंस गिवन किए हुए हैं। अगर डियर स्टूडेंट किसी भी क्वेश्चन में किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम्स आती है तो कंसर्न करिए। ओके, थैंक यू सो मच।